आरपी भारत केवल खबरें और कुछ। नमस्कार, मैं भुवनेश्वरी, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर आते हैं आज की किसी खास खबर पर। जामताड़ा साइबर थाना को एक बार फिर बड़ी सफलता मिली है। जामताड़ा पुलिस ने साइबर क्राइम करने वाले एक बड़े गैंग को गिरफ्तार किया है। करमाटांड प्रखंड के सियाटार गांव से 9 साइबर अपराधी को पकड़ा गया। ये साइबर अपराधी झुंड बना के एक जगह पर साइबर अपराध की घटना को अंजाम दे रहे थे। साइबर थाना को गुप्त सूचना मिलने पर एक टीम गठित की गई और उस जगह पर छापेमारी की गई, जहां से 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अपराधी में विनोद मंडल, पन्ना लाल मंडल, दिलीप मंडल, राजेश मंडल, रोबिन मंडल, भीम मंडल, सुशील मंडल, विवेश मंडल, राजेश मंडल को गिरफ्तार किया। साथ ही उनके पास से 9 मोबाइल सेट, 1 मोबाइल का डब्बा, 10 सिम कार्ड और 1 आधार कार्ड बरामद किया गया है। वहीं सुशील मंडल और राधे मंडल पूर्व में साइबर मामले में जेल जा चुका है। जामताड़ा एसपी दीपक कुमार सिन्हा ने जानकारी देते हुए बताया कि ये लोग सीरीज नंबर कोड का इस्तेमाल कर रहे हैं और लोगों से ठगी करने का कारोबार कर रहे हैं। जामताड़ा से गौतम मंडल की रिपोर्ट। आज एक इन्फॉर्मेशन मिला कि करमाटांड थाना के अंतर्गत सियाटांड एक जगह है, जहां पे काफ़ी संख्या में साइबर अपराधी एक जगह इकट्ठा होकर के मोबाइल के माध्यम से अपने क्लाइंट को या अपना शिकार फंसा रहा है। तो इस सूचना पे साइबर डीएसपी के नेतृत्व में यहाँ से एक टीम गई और टीम जाने के बाद में जब वहाँ पर पहुँची तो देखे कि सीरीज में लोग बैठे हुए हैं और बैठ करके अपना मोबाइल के माध्यम से अलग अलग जो इनका मोडस ऑपरेंडी है वो फ़ोन कर रहे थे। इसमें से उन लोगों को जब पकड़ा गया और मोबाइल का चेक किया गया तो सीरीज में जो मोबाइल पे वो बात कर रहे थे, जैसे 01, 02, 03, 04, लास्ट में मतलब जो 10 डिजिट होता है उसमें के लास्ट डिजिट में वो सीरीज में ये लोगों से बात कर रहे थे और बात करके उन लोगों से ठगी का प्रयास कर रहे थे। उन लोगों को पकड़ के लाया गया है। अब उसका वेरिफिकेशन किया गया तो ये पाया गया कि ये लोग पहले से भी इसके क्राइम में संलिप्त रहे हैं और इन लोगों के पास में से कुछ मोबाइल सेट मिले हैं, सिम कार्ड वगैरह मिले हैं और उसी के आधार पर साइबर थाना में इनके विरुद्ध में प्राथमिकी दर्ज की गई है और आगे की कार्रवाई की जाएगी।